अभी लाइव तस्वीरें हैं और सतीश फफड़ाना और मंजीत फफड़ाना पहुंचे हैं एक स्थान पर, जानकारी लेंगे कि क्या कौन सी जगह जी? सफीदो पहुंचे हैं जी। अच्छा, क्या क्या पता लगा? बस कॉल गई थी भाई, सांप था और वो सामान में घुस गया है। अच्छा, हाँ तो देख रहे हैं जाके कौन सा सांप है, कौन से सामान में घुस है। एक इस प्रकार से कबाड़े की दुकान में और इस समय सांप मंजीत ने काबू कर लिया है। इस तरफ देखो, यहाँ भी लोग तो ये हटाओ इनको, तो मिल चुका है और मंजीत ने उसको पकड़ लिया गया है। यहाँ से निकालो फटाफट, जल्दी। ये देखिए कबाड़ी की ये दुकान है और जो सांप है ये इस तरफ निकला हुआ, ये कर लिया इसको काबू और काफ़ी समय से लगातार इनको परेशान कर रहा था और अभी सारा सामान उठा करके मिल चुका है ये सांप। और देखिए कितनी बोतलें, कितना कबाड़ जो है यहाँ लगातार हटाया गया है, क्योंकि कबाड़ी की दुकान में बहुत ज़्यादा सामान होता है और बहुत ज़्यादा पिछले आधे घंटे से सामान हटाया गया था और सब सतीश ने इसको काबू कर लिया है। पूरा लंबा 6-7 फुट का ये सांप, तो कौन सा है मंजीत जी? और देखिए किस प्रकार से इनके खिलौने के अंदर से घुंडी लगा करके और इनको जहाँ भी, ये देखिए ऊपर उठाना मंजीत, देखिए किस प्रकार से सामान के अंदर घुस जाता है और अभी कर लिया गया है काबू। पूरा तगड़ा लगभग गुस्से में है ये सांप। और हाँ, कहाँ भाई? तो अभी इसको काबू किया जा रहा है, तो इसको आराम से जो है छोड़ा जाएगा और देखिए किस प्रकार से सतीश की ओर जाता हुआ। और अभी ये तस्वीरें कबाड़ी की दुकान से सांप को करते हुए सकुशल काबू। सफीदों हैं हम इस समय और सफीदों से इसको यहाँ पकड़ा गया है। अभी काफ़ी गुस्से में है, लाइव ये तस्वीरें तो मैं दिखाना चाहूँगा। इसको सकुशल यहाँ पकड़ा जाएगा और जंगल में इसको सकुशल छोड़ा भी जाएगा। तो देखिए धीरे धीरे इसको काबू करते हुए, काफ़ी गुस्से में है ये सांप क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अभी अंदर जाते हुए बने रहें, जुड़े इन तस्वीरों में जाओ ज़्यादा शेयर करें। देखा किसने था सांप? आपने देखा था? आ जाओ राजो, फिर आ जाओ साइड दे। किस समय देखा था? यो हो लिया एक घंटा सारा। तो पहले भी कभी नजर आया? ना पहले कभी नहीं देखा। भय था, एक भय था, डर था अंदर? हाँ डर था। तो सर टाइम से आ गए थे सतीश? हाँ टाइम से पहुँचे। जीव को कभी मारना नहीं है, इनको बुलाना है हमेशा, ऐसे कुछ हो ना तो इनको बुलाना है। और जीव का सबका अपना जीवन है और उसको जगह पर छोड़ना है। जी बिल्कुल। तो ये कबाड़ी की दुकान है और ये लोग यहाँ रहते हैं, पशु भी बंधे हुए हैं। एक डर था इनके मन में कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना सांप के द्वारा ना हो, तो उसको सारा जो कबाड़ है उसको यहाँ हटाया गया है और सकुशल उसको काबू किया गया है। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों का शेयर कीजिएगा।